हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद की जानकारी मैं आपको दूंगा कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हुई और उससे फर्स्ट तस्वीर कौन सी ली गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और तस्वीरें भी, फर्स्ट तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा। और रोवर जो विक्रम लैंडर से निकला है वह कितना दूर तक जाएगा और उसका क्या क्या काम है, ये भी सारी जानकारी मैं दूंगा। और वो रोवर कैसे काम करता है ये भी मैं बताऊंगा। और रोवर से भी फर्स्ट तस्वीरें जो ली गई हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद्र के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ऐसा कारनामा दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के जमीन पर स्पेस क्राफ्ट उतारकर भारत चौथा देश बन चुका है। विक्रम लैंडर की चांद की जमीन पर छूने के कुछ समय बाद ही प्रज्ञान रोवर विक्रम से बाहर आ चुका है। रोवर ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इसरो ने रोवर को खास इस तरह डिजाइन किया है कि वह दक्षिणी हिस्से पर ऐसी चीजें तलाशेगा जो भारत का ही नहीं दुनिया के भी काम आएगा। रोवर का काम चांद पर काम करना ही नहीं, इसरो ने रोवर को इस तरह से डिजाइन किया है कि वह जहां जहां गुजरेगा वहां भारत के तिरंगे की शान, अशोक चक्र के निशान को भी छोड़ता जाएगा। भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। सॉफ्ट लैंडिंग कराने के तकरीबन एक हफ्ते पहले रूस ने अपने लूना 25 यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने की कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ तकनीकी इशू के कारण वह क्रैश हो गया था। चंद्रयान 3 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद धरती से लगभग 4,00,000 किलोमीटर का सफर तय किया और 23 अगस्त की शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर आ चुका है। रोवर का काम चांद की सतह पर उन चीजों को तलाशना है जो भविष्य के लिए काफी अहम होगी। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर पानी का पता लगाया था, इसलिए रोवर का काम जल बर्फ को तलाशना है और यह पता लगाना है कि यहाँ भविष्य में मानव कॉलोनियां मुमकिन है कि नहीं। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले हीलियम, सोना, चांदी और खनिज लवणों का भी पता लगाएगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर काम करने के लिए एक दिन का समय है, इसलिए क्योंकि चांद पर एक दिन और रात धरती के 14 दिन और रात के बराबर होता है। चांद के दक्षिणी हिस्से पर बड़े बड़े गड्ढे और सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए रोवर पर बेहद हाई क्वालिटी वाले कैमरे लगाए हुए हैं। इसके अलावा अगर विक्रम और रोवर से इसरो का संपर्क टूट गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। विक्रम लैंडर और रोवर के लैंडिंग के साथ ही चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर संपर्क स्थापित कर लिया। ऐसी अवस्था में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 से कनेक्शन जोड़कर विक्रम और रोवर की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, वह कहाँ है और किस स्थिति में है। अब बात कर लेते हैं उस तस्वीरों के बारे में। रोवर चांद की सतह पर सिर्फ अपने काम को अंजाम देने के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की पहचान चांद की सतह पर छोड़ने के लिए भी उतारा गया है। जहाँ जहाँ रोवर गुजरेगा वहाँ अशोक चक्र का निशान छोड़ता जाएगा। रोवर के टायरों में खास तौर पर डिजाइन किया गया है जिसके एक हिस्से में अशोक चक्र और दूसरे हिस्से में इसरो का लोगो लगाया गया है। जबकि चांद पर हवा नहीं होने के कारण यह निशान हमेशा के लिए चांद के सतह पर बने रहेंगे। विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद इसरो के चांद की तस्वीरें भेजी हैं। यह फुटेज विक्रम लैंडर द्वारा खींची गई थी जब लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा पर उतर रहा था। भारत चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है और चांद पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश। तो चलिए उस तस्वीरों को देख लेते हैं। दोस्तों, विक्रम लैंडर द्वारा जब उतर रहा था तो 4 फोटो क्लिक हुई थी, तो मैं चलिए उसको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो या जानकारी से रिलेटेड वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। आप खुश रहिए, मस्त रहिए।